Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear doubts. Friends, today's video is question number 2.44, जो कि NCERT textbook class 11 से है और chapter का नाम है Structure of Atom. तो चलिए देखते हैं question. An ion with mass number 56 contain 3 unit of positive charge and 30.4% more neutrons than the electrons. Now assign the symbol of this ion. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2.43 किया था, सेम उसी प्रोसीजर पे चलेगा. तो चलिए देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे. हमने यहाँ पर सपोज किया है कि कोई आयन की बात कर रहे हैं, जिसको अभी हमने ई मान रखा है. हमें इसका सिंबल नहीं पता. इस पर 3+ चार्ज है. इसका मास नंबर है 56 और एटॉमिक नंबर हम यहाँ जेड लिख रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता. अब इस जो ई है आयन, इसका सिंबल क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पता लगाना है. तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल अगर ज्ञात करना है तो हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. अगर एटॉमिक नंबर पता है तो सिंबल हमें आ जाएगा, क्योंकि हर एटॉमिक नंबर के लिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट बना है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 1 से 30 तक का हमें याद होना ही चाहिए. चलिए अब ध्यान करते हैं स्टार्ट इसको. तो हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन इज एक्स. हमने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आयन दिया गया, इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स है तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, अगर आयन में एक्स है तो एटम में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयन में 3+ चार्ज दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं. 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने से आयन बना है, इसका मतलब 3 कम है आयन में नॉर्मल एटम से. तो हम 3 जोड़ दें, एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. ठीक है, बहुत सिंपल सा माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत है. 3+ का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं. 3 इलेक्ट्रॉन के निकलने से आयन बना था, जिसमें कि हमने अगर 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम आ जाएगा. अब क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम होते हैं, सेम वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होती है. सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम या आयन भी कह सकते हैं, एक्स प्लस 3 होगा. क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोटॉन्स की वैल्यू चेंज नहीं होती. अगर कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स देकर या लेकर आयन बन जा रहा है, तो खाली इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है, प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग नहीं होती. प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम और आयन. चलिए नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खोजने का. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द आयन, तो यहाँ पर इसके लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है. इसके हिसाब से 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन प्लस 30.4% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अब इस स्टेटमेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे बनेगा, x प्लस 30.4/100x. अब 0 घटाएंगे तो ऊपर से डेसिमल शिफ्ट होगा, लेफ्ट तरफ जाएगा 2 स्टेप, तो ये बन गया x प्लस 0.304x. तो x का मतलब होता है 1x. 1x प्लस 0.34 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, 1.304x. ये हो गई हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करके हम x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे. तो हमें पता है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर. तो हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल ली है, प्रोटॉन की वैल्यू निकाल ली है, मास नंबर हमें गिवन है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से. न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है,
हमने निकाली 1.304x, प्रोटॉन की वैल्यू है x प्लस 3, हमने अभी ज्ञात की, इज इक्वल टू हो जाएगा 56। ये हमें रूल पता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स इन द एटम। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1.304x प्लस x इज इक्वल टू 56। अब इधर जो प्लस 3 था ये राइट हैंड साइड जाएगा और बन जाएगा माइनस 3। तो फिर से 1 प्लस 1.304 बन गया 2.304x इज इक्वल टू 53। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 53 अपॉन 2.3। हम 2.304 में से 2.3 ले रहे हैं, बाकी को इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि हमें कम मिक्स वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 23। कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद जिसे कि हम इग्नोर करेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू ही लेकर चलेंगे, हमें उसी की ज़रूरत है। तो 23 यहाँ हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। ये x हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आयन ये हमारा आया 23। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन द एटम ये हमारा कितना हो जाएगा, हमने गेस किया था x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26। और इसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें एटॉमिक नंबर मिल गया। मैंने पहले ही बताया था हमें अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो हम सिंबल असाइन कर सकते हैं, ये हमें लर्न करने की ज़रूरत है। तो जेड एटॉमिक नंबर 26 बिलोंग करता है आयरन को। ठीक है, तो अब हमने जो पहले सबसे स्टार्टिंग में गेस किया था उस हिसाब से अगर हम लिखें तो हमारा क्या सिंबल बनता है यहाँ पर, आयरन 26 56 एंड 3 प्लस, और यही हमारा सिंबल असाइन हो चुका है जो आयन बना है। ये आयरन का 3 प्लस आयन है, Fe3+ आयन बना है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। क्वेश्चन सरल था, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और फिर से कहूँगी 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर्स और उनके सिंबल्स को याद करने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, टिल देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन थैंक यू।